श्रावण का महीना प्रारंभ हो चुका है। इन दिनों भोलेनाथ जी की कृपा विशेष रूप से बरसती है। इन दिनों कुछ विशेष मदार के फूल चढ़ाए जाए तो भगवान जल्द ही प्रसन्न होते हैं। ये पंडित जी से जानते हैं वह फूल भगवान शिव जी के प्रिय पुष्पों में है मदार का पुष्प, और भगवान नारायण के प्रिय पुष्पों में है मंदार का पुष्प। मंदार अर्थात हार श्रृंगार का पुष्प, जिसकी ऑरेंज डंडी होती है और वाइट कलर का पुष्प होता है, छोटा सा पुष्प होता है, उसको तुलसी पत्र के साथ में यदि भगवान नारायण को समर्पित किया जावे तो भगवान नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मदार का पुष्प अर्थात आंकड़े का पुष्प, आंकड़े का पुष्प भगवान शिव जी को श्रावण में या श्रावण के अन्य अलावा भी बहुत प्रिय होता है। भगवान शिव जी को आंकड़ा नीले वर्ण का भी होता है और सफेद वर्ण का भी होता है। सफेद वर्ण का जो आंकड़ा होता है भगवान गणपति को भी अति प्रिय होता है। कहते हैं कि आंकड़े के वृक्ष में गणपति का वास होता है, उसकी जड़ में से गणपति का स्वरूप निकलता है पुराने आंकड़े में से, उसका पूजन से सिद्धि प्राप्त होती है। अभी हम बात कर रहे हैं पुष्प की। आंकड़े का पुष्प चढ़ाने से भगवान शिव श्रावण में चढ़ाने वाले को मनोवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। आंकड़ा, धतूरा और बिल्व पत्र यदि एक साथ चढ़ाया जाता है भगवान शिव जी को तो भगवान शिव भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन मंदार का पुष्प भगवान शिव जी को कार्तिक मास में चढ़ता है और मदार का पुष्प भगवान नारायण को कार्तिक मास में चढ़ता है। तो दोनों पुष्प भगवान शिव जी को और दोनों पुष्प भगवान नारायण को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन समय समय के फेर पे उचित समय पर उचित पुष्प चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण।